हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एस्पिरेंट्स चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर IBPS क्लर्क प्री, SBI क्लर्क मेन, RRBPO क्लर्क प्री 2021। इसको मैं टू डू लिस्ट करके भी रख सकते थे, लेकिन मैं इसको बेस्ट स्ट्रेटजी का नाम इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि सच में ये आपके लिए बेस्ट ही है। इसमें आप लोगों को मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोग को लिए मैं करके दे रहा हूँ। आप लोग सिर्फ पढ़ाई कीजिए, मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ उसी हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आप ज़रूर एग्जाम क्रैक करेंगे, मेरा 100% गारंटी है। देखिए यहाँ पर आपको 100% सिलेक्शन के साथ क्यूट सी स्माइल दिखाई दे रही होगी। चलिए बढ़ते हैं। ये आपके जो IBPS क्लर्क का एग्जाम है वो आपका होने वाला है। IBPS क्लर्क का फॉर्म अभी भरा जा रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। प्रीलिम के लिए मैं डेली आपको टू डू लिस्ट बना के दूँगी, आप इसको बेस्ट स्ट्रैटेजी मान के चलिए। इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करने मत भूलिए। चलिए पहले मोटिवेशन कोट के तरफ चलते हैं। आज के लिए आपके मोटिवेशन है, यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। सच्ची कोई नहीं देखेगा, आप कितने घंटे मेहनत कर रहे हो, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, ये कोई नहीं देखता है, सिर्फ लोग देखते हैं हुआ कि नहीं, मतलब रिजल्ट ही सब देखते हैं। ठीक है, हम लोग भी मेहनत करेंगे, जम के पढ़ाई करेंगे और निकाल के दिखाएंगे। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 1.5 महीने में आपका पूरा, मैं डेली आपके लिए टू डू लिस्ट बना के दूंगी। आप सिर्फ पढ़ाई करना, जितना बताऊँगी उतना कंप्लीट कर देना, ज़रूर आपका निकल जाएगा। टुडे 16 जुलाई, आपको मैं प्रीलिम्स के लिए बता दे रहा हूँ। क्वांट के लिए आपका पहला आप नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इसका प्रैक्टिस आप मिनिमम 2 घंटे करना है आपको। रीजनिंग, कोडिंग, डिक्लेरिंग, सिंपल वाला आपको 1 घंटे के लिए करना है। पहला दिन है, जितना दे रहा हो उतना कीजिए, फिर मैं आप लोग को डेली बता दूँगी। अगर कुछ हेल्प हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन कर देना। इंग्लिश ग्रामर के रूल सिर्फ रिवीजन करना है आपको। अब डेली आपको क्या करना है, करंट अफेयर का वीडियो आपको डेली बेसिस पे दिखना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी आशीष गौतम सर की मॉर्निंग 7 AM में आपका होता है डेली Ada247। आप यूट्यूब चैनल पर मेरे को ओ वाला मैं जितना जानती हूँ अच्छा है, लेकिन एनीवन यू लाइक यू कैन वॉच, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको जो भी सर या मैम जो भी पसंद है आप देख सकते हैं। और डेली आपको न्यूज़पेपर को रीडिंग करना है, द हिंदू, इसलिए बोल रही हूँ द हिंदू क्योंकि द हिंदू पढ़ने से आपका भूखा अच्छे से हो जाता है और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाता है। इसीलिए मैं और मतलब कुछ नहीं बोल के आपको द हिंदू ही बता रहा हूँ, और विशाल परियार सर और निमिषा मैम के, ये दोनों का अच्छा लगता है, लेकिन आप देख लीजिएगा आपको जिसको भी अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक का पसंद अलग अलग होता है। जिसको भी आप पसंद करते हैं उनका आप देख लीजिए, लेकिन देखना ज़रूरी है। ये दोनों आपका डेली बेसिस पे करंट अफेयर और न्यूज़पेपर, ये दोनों रीडिंग करना है। ये आपको प्रीलिम के लिए मैं स्ट्रैटेजी बता रहा है। और मॉक टेस्ट एग्जाम आपका होने तक, जितने दिन में आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, हर दिन एक एक मॉक टेस्ट आपका करना है। फिर आपको अगर आप लंच से पहले मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसके बाद आप शाम के टाइम के में उसको एनालिसिस कर लेना, ज़रूर कर लेना आपको। इससे क्या होता है, आपका एक्यूरेसी लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, डाउट भी क्लियर हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, और एग्जाम का फियर जो है वो धीरे धीरे करके चला जाता है, और एग्जाम में आप अच्छी तरह टाइम से पेपर दे पा रहे हो। इसीलिए ये आपका मैं बता रही हूँ प्रीलिम्स के लिए बेस्ट टाइम टेबल बना के दूँगी, आप एक बार मेरे पे ट्रस्ट करके ज़रूर पढ़ना। और
चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन कॉल ऑल में क्लिक करना है, तो आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको मैं अच्छी से टाइम टेबल आपके लिए बना के दूंगी। और आप खुद भी कर पा रहे हैं तो अच्छा है, बहुत कोई है जो कि खुद के लिए कर नहीं पाते हैं, इसके उन लोगों के लिए मैं बना के दे रही हूँ। आपसे मेहनत कीजिए, जितना बता रहा हूँ उतना कीजिए, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दीजिए और करंट अफेयर और हिंदू न्यूज़पेपर, ये दोनों डेली पढ़ना है। चलिए रखती हूँ, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल का नाम याद रखिए आप लोग, कॉम्पिटेटिव एस्पिरेंट, इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना है। जय जगन्नाथ।